हाय गाइस, वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब फिट हैं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज का हमारा वीडियो है बाइसेप्स पे। आप बाइसेप्स में कैसे मसल गेन कर सकते हो और कैसे अपनी बाइसेप्स को कटिंग ला सकते हो, तो आज हम अच्छी से अच्छी चार एक्सरसाइज करने वाले हैं और उसको प्रॉपर मैकेनिज्म से करेंगे, क्या उसको करने का प्रॉपर तरीका है। तो आज मेरे साथ है सोनू जोगी। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है नॉर्मल बाइसेप्स कर्ल डंबल। तो हम शुरू करते हैं। आज हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है बाइसेप्स कर्ल। तो बाइसेप्स कर्ल में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे हाथ है बॉडी से आगे रहें और प्रॉपर आप लेके जाओ और प्रॉपर डाउन आर्म को स्ट्रेच करो। कुछ मेरे दोस्त मेरे से ये पूछते रहते हैं बार बार कि हमें हाथों की पोजीशन कैसे रखनी चाहिए, कई जने हाथ पीछे रखते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपके आर्म्स प्रॉपर आगे रहने चाहिए और प्रॉपर अप एंड डाउन। आपको अपने आर्म्स का ध्यान रखना है, आपके आर्म्स आपकी बॉडी से थोड़े आगे रहें, पीछे ना जाएं। और कई जने ये पूछते हैं कि मूवमेंट में हम आर्म्स को हल्का सा आप लिफ्ट करते तो हमें लिफ्ट करना चाहिए या नहीं लिफ्ट करना चाहिए, तो हम वो लिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आप इसमें इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो अपने वर्कआउट की। आप इसको बिल्कुल स्लो डाउन लेके आओ, प्रॉपर डाउन लेके आओ, पूरा आर्म स्ट्रेच करो। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक्सरसाइज में बाइसेप्स में गलती इसलिए करते हैं कि वो ज़्यादा वेट लिफ्ट करने की ट्राई करते हैं। कभी भी ज़्यादा वेट लिफ्ट करना आपको मसल्स में हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर आप प्रॉपर अच्छा अपना बाइसेप्स बनाना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करो, प्रॉपर वे में वर्कआउट करो। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्पाइडर कर्ल। सेम आपको मूवमेंट का ध्यान रखना है, आपके हाथ पीछे ना जाएं, आपके हाथों की मूवमेंट आगे रहे और आर्म को प्रॉपर डाउन स्ट्रेच करना ज़रूरी है। कुछ हाफ कर्ल करते हैं, हाफ कर्ल करना भी गलत है। आपके हाथ पीछे ना हो जिससे ये प्रॉपर करें। कई लोग मूवमेंट को हाथों को पीछे रखे करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ये मूवमेंट आपके आर्म्स प्रॉपर आगे स्ट्रेच होने चाहिए, पुल अप एंड स्लो डाउन। इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, वेट ज़्यादा नहीं लिफ्ट करना। सेम गलती कभी रिपीट मत करो। बाइसेप्स में जितना वेट आपसे प्रॉपर हो उतना ही वेट करो। वेट ज़्यादा लिफ्ट करने से आप गलत वर्कआउट करोगे, मसल डैमेज करोगे और भी आपको इंजरी होने के भी चांसेस ज़्यादा है। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है हैमर कर्ल। हैमर कर्ल किस तरह करना है ये आप सोनू करके दिखा रहे हैं। जिससे आपको प्रॉपर आर्म को आप लेके जाने और प्रॉपर डाउन लेके जाने। इसमें आप आउटर हैमर कर्ल्स भी कर सकते हो, आउटर कर्ल्स भी कर सकते हो और इनर कर्ल्स भी कर सकते हो। दो वेरिएशन है। अगर आपको आउटर कर्ल करना है आप आर्म्स को थोड़ा आउटसाइड लेके जा सकते हो डाउन, एंड आपको इनर कर्ल्स करना है आप आर्म्स को इनसाइड लेके जा सकते हो डाउन। सेम उसी चीज़ का ध्यान रखना है, आपके हाथ पीछे ना जाएं और आप प्रॉपर आर्म्स को डाउन लेके जाओ, प्रॉपर आर्म स्ट्रेच करो और प्रॉपर अप लेके जाओ। इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए वर्कआउट थोड़ा स्लो कर सकते हो, वेट थोड़ा यूज़ करो, अच्छे से वर्कआउट करो। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7S। ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। इस चीज एक्सरसाइज में फुल आपकी फुल आर्म्स की एक्सरसाइज है। आपको क्या पहले हाफ 7 reps करने हैं कल। आपको अपने आर्म्स का ध्यान रखना है कि आपके हाथ पीछे ना जाए, शोल्डर की कोई मूवमेंट ना हो, शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट रहने चाहिए और कोई मूवमेंट ना हो शोल्डर की। इसके बाद आप अपर 7 curls, अपर हाफ कर्ल्स करने हैं आपको। प्रॉपर आपको स्ट्रेच करना है, ध्यान दें शोल्डर की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए 7S में बिल्कुल भी, या किसी भी बाइसेप्स वर्कआउट में शोल्डर आपके नहीं है। फुल सेवन रैप्स में प्रॉपर आर्म्स को डाउन स्ट्रेच करो, प्रॉपर अप लेके जाओ। सेम वेट अपने हिसाब से, कोई झटका ना लगे, शोल्डर की कोई मूवमेंट मत करो। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं ऐसे जिम में जो बाइसेप्स में बहुत ज़्यादा वेट डालेंगे, 15-15, 20-20 किलो वेट डालेंगे, जो उनसे प्रॉपर उठता नहीं। अगर आपसे प्रॉपर उठता है तो आप जितना मर्जी वेट लिफ्ट करो वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आपसे वेट प्रॉपर नहीं उठ रहा तो आप अपने रिस्ट में इंजरी दे दोगे, आप अपने एल्बो में इंजरी दे दोगे, शोल्डर में इंजरी दे दोगे, बैक पेन भी हो सकता है, कई जने बैक पीछे करके झटका मारते हैं। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करना है। जो आपको चार चीज़ अवॉइड करनी है बाइसेप्स करते हुए, नंबर एक, हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना, वेट उतना ही लिफ्ट करो जो आप आराम से इजीली लिफ्ट कर सकते हो। तो सेकंड चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी अपने बैक को पीछे मत लेके जाओ। अगर आप बैक मूवमेंट करोगे आपको बैक पेन, लोअर बैक पेन हो सकता है और आपके मसल्स में इंजरी आ सकती है। नंबर थ्री, मूवमेंट का ध्यान रखो, कोई भी फास्ट झटके वाली मूवमेंट नहीं करनी। हमें अपनी मसल्स को तोड़ना नहीं है, हमें मसल्स को प्रॉपर बिल्ड करना है, हमें मसल्स को क्लैरिटी देनी है। अगर आप चाहते हो आपका बाइसेप्स अच्छा बने और प्रॉपर शेप बने तो आप कभी भी झटका मत मारो। और जो फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखना है, अपने शोल्डर और रिस्ट को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। आपके शोल्डर बाइसेप्स करते हुए शोल्डर की कोई मूवमेंट ना हो आपकी,
अगर आप शोल्डर मूवमेंट करोगे तो वो आपकी बाइसेप्स पे कम इफेक्ट डालेगा, बजाय कि आपका वो आप ये लगा के चलो कि आप एक तरह से झटका मार रहे हो आप अपने बाइसेप्स पे और कुछ नहीं कर रहे, वो आप जीरो डेड वर्कआउट से जीरो, कोई मैटर ही नहीं करता कि आप कितना वेट लिफ्ट कर रहे हो। बाइसेप्स एक बहुत छोटी मसल है, ज़्यादा हैवी वेट मत उठाए, प्रॉपर लाइट वेट के साथ प्रॉपर एक्सरसाइज करें। तो ये था आज हमारा बाइसेप्स का वर्कआउट, मैं इसी का पार्ट टू भी बनाऊंगा फॉर एडवांस, जो लोग काफ़ी टाइम से जिनके बाइसेप्स के रिजल्ट आने बंद हो गए और काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, तो हम कुछ एक चीज़ का हमें मैं आपको भी बता दूँ, एक चीज़ का वो ध्यान रखना होता है कि हमारा वर्कआउट कभी चेंज नहीं होता, वर्कआउट सेम रहता है, हमें एंगल ऑफ अटैक चेंज करना होता है अगर आपके रिजल्ट आने बंद हो गए, तो अपने वर्कआउट को थोड़ा सा चेंज करते रहो, कोई भी सेम हर बार सेम वर्कआउट मत करो, थोड़ा वेरिएशन दो अपने वर्कआउट में, रेपिटेशन से वेरिएशन दो, वेट से वेरिएशन दो, इंटेंसिटी से वेरिएशन दो, फास्ट अप स्लो डाउन इन सब की वेरिएशन दो। तो ये था हमारा बाइसेप्स का वर्कआउट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फिट रहो। जय हिंद जय भारत।